देखिए यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं सॉल्यूशन हाई स्कूल परीक्षा 2019-20 केवल प्रश्न पत्र, यानी यूपी बोर्ड ने जो जारी किया है पेपर, हम उसी का यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन दे रहे हैं पूरे स्टेप के साथ। तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। दो सेट हैं, हम ये पहला सेट आपको दे रहे हैं और ऐसी उम्मीद है कि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में मिल सकते हैं। अगर ये नहीं मिले तो इस जैसे मिल जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से आप कर लें। तो पेपर करने से पहले यहाँ पे कुछ नियम हैं जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। ये आप एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है इतना कि इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकें, तो यहाँ पर आप इसको अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए कि कैसे ये है। तो इसको मैं ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके बहुत अच्छे से इनको पढ़ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना समय नहीं होता कि हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ पाएँ। तो यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ लें और कोई भी कॉलम अगर समझ में नहीं आता तो वो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे देखिए इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न होंगे? 7। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, यानी कि जितने नंबर का है वो सामने लिखा हुआ। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट कीजिए, यानी कि जो प्रश्न नहीं आता तो उसमें आपको अपना समय नष्ट नहीं करना है, तुरंत आगे वाले क्वेश्चन पे आ जाना है। ठीक है। अब यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट के क्रॉस लगा दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई भी हल नहीं कीजिए। अगर कहीं पर आपको जरूरत पड़ रही है रफ करने की तो बाएं पेज पर काम करना, ये ध्यान रखें, बाएं पेज पे, और रफ करने के बाद उसको जो है आपको क्रॉस कर देना। ठीक है। उस पर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। रफ वाले पेज पे जहाँ भी रफ करेंगे तो उस पर कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, केवल रफ ही करेंगे और रफ फिर उसको काट भी देना, इस बात का विशेष ध्यान देना। रचना के प्रश्नों को हल करने रचना के प्रश्नों को हल में रचना रेखाएं न मिटाएं, यानी आपको जो है प्रश्न जब हल करेंगे रेखाएं नहीं मिटानी है। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखें और रचना के पद भी आपको लिखने हैं। प्रश्न संख्या एक के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल की क्रियापद स्पष्ट रूप से लिखिए, यानी कि आपको सभी प्रश्नों के जो हल हैं वो पूरे देने हैं, केवल विकल्प वाले प्रश्न के जो हल है वो देने की आपको जरूरत नहीं है। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको रफ की जरूरत नहीं है तो आप दोनों पृष्ठों का प्रयोग करें, यानी लेफ्ट में भी लिखें और राइट में भी लिखें, और यदि रफ की जरूरत है तो बाएं पेज पर रफ करें और उसे क्रॉस कर दें, तब उस पर फेर काम ना करें। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक हो उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसे हल अशुद्ध तथा पूर्ण माने जाते हैं। अगर किसी हल में चित्र है तो आप चित्र जरूर बनाएं। जैसे ऊंचाई दूरी का जो क्वेश्चन आता है उसमें चित्र बनाना जरूरी होता है, प्रेमी है तो इसमें चित्र जरूर बनाएं। अगर आप चित्र नहीं बनाते हैं तो आपका जो हल है वो अधूरा होगा। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने ये आ गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो इसमें इस बार 5 प्रश्न हैं, इसमें आपको ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, तो आप डायरेक्ट टिक भी कर सकते हैं अगर आपको इसका आंसर मालूम है, लेकिन आप थोड़ा सा सोल्व करके इसको देख लें। चलिए पहला विकल्प बहुविकल्प क्वेश्चन स्क्रीन पे है। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक को सही, एक सही है। सही विकल्प छांट कर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ये क्वेश्चन क्या जैसे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्या युग्म है? तो सहभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं पहले हमें ये मालूम होनी चाहिए। तो सहभाज्य संख्या युग्म से मतलब ये है कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि एक के अतिरिक्त अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो 14 और 35 में जो है क्या कॉमन है, 7 और 14, यानी कि 7 से कट रहा है। ठीक है, इसलिए ये सहभाज्य नहीं है। 18 और 25 को हम देखते हैं तो कोई भी ऐसा पाड़ा नहीं है जो 18 और 25 को काट दे। ठीक है, तो इसलिए ये जो युग्म है वो कैसा है, सहअभाज्य संख्या। ठीक, यहाँ पर देखिए 31 से ये दोनों कट रहे हैं, 31 भी कट रहा है, 93 भी कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी सहअभाज्य नहीं है। यहाँ पर देखिए 32 से दोनों कट रहे हैं, 32 और 64, इसका मतलब ये भी सहअभाज्य नहीं है। तो यहाँ सहअभाज्य कौन सा है, ये वाला 18 और 25, क्योंकि ये किसी भी पहाड़े से नहीं कट रहा है, यानी इसका जो मासा है वो 1 है। यानी जिन दो संख्याओं का मासा 1 हो उन्हें हम सहअभाज्य संख्याएँ कहते हैं। ठीक है, चलो यहीं पे देख लेते हैं। द्विघात समीकरण इतने के मूलों का गुणनफल है। तो अब देखिए इसकी हम द्विघात समीकरण से तुलना करें तो जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, अब हम इसे तुलना करें तो ए बराबर कितना आ जाएगा देखिए 3, और बी बराबर कितना हो जाएगा एक्स का गुणांक यानी कि -4,
और सी कितना हो जाएगा, सी इसमें नहीं है तो जीरो। और ये हम जानते हैं मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पर देखिए सी की जो वैल्यू है वो जीरो है, अपॉन में कितना है ए, ए क्या मतलब तीन, और जीरो को जब हम तीन से डिवाइड करेंगे आएगा जीरो। तो इसका जो राइट आंसर हो गया वो जीरो। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट गा पार्ट। तो अब देखिए इसका हम गा पार्ट देख लेते हैं। गा क्या है, दिए गए चित्र में टी पी यानी कि ये वाला और टी क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू, पी ओ क्यू कितना है 110, तो पी टी क्यू, पी टी क्यू यानी कि ये हमें निकालना। ठीक है, तो अब देखिए जरा हम ये जानते हैं कि त्रिज्या जो है स्पर्शी पर लंब होती है यानी कि ये 90 डिग्री का कोण हो गया और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों टी पी और टी क्यू क्या है इसकी स्पर्शी है। ठीक है, तो जब ये 90-90 अंश का हो गया तो अब ये एक क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है। तो इसका पी और क्यू का जो जोड़ है वो 180 हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ और टी का जो जोड़ है वो 180 होगा। तो 180 में से हम 110 माइनस कर दें, 180 में से क्या माइनस कर दें 110। ठीक है, तो कितना जाएगा 70। तो हम शॉर्ट में ये भी कह सकते हैं कि केंद्र पे बने कोण और स्पर्शियों के बीच बने कोण का जो जोड़ होता है वो 180 होता है। कितना होता है 180। ठीक है, अगर हमें केंद्र पे बना कोण मालूम है तो हम स्पर्शियों के बीच का निकाल सकते हैं, कैसे 180 में से घटा के, और अगर हमें स्पर्शियों के बीच का कोण मालूम हो तो हम ये वाला कोण निकाल सकते हैं केंद्र पे बना हुआ। तो आंसर इसका कितना हो गया 70। अब यहीं पर देखिए गा, इसका जो घा पार्ट है इसे देख लेते हैं। कोस 60 कोस 30 माइनस साइन 60 साइन 30 का मान याद कीजिए। तो देखिए कोस 60, कोस 60 की जो वैल्यू होती है हम जानते हैं 1/2, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, माइनस साइन 60 साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर देखिए हमने जो है वैल्यू रख दी, तो ये घा पार्ट हो गया और ये हो गया इसका। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेम टू सेम है, इसे हम लिख सकते हैं √3/4 माइनस √3/4, अब ये कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आया इसका जीरो। तो इसका राइट आंसर हो गया ये वाला। अब अगला पास देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो आपको बता दें केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से मतलब ये है कि वह आंकड़ा जो संपूर्ण श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए माध्य भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, माध्यिका भी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, लेकिन जो मानक विचलन है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मानक विचलन। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम चलते हैं आगे, अब हम देखेंगे 1 नंबर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए अब हम करते हैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन। देखिए 5 क्वेश्चन इसके अंदर हैं, 1 नंबर वाले, 5 बहुविकल वाले, तो 10 नंबर के पहला और दूसरा पार्ट है और इसमें कोई चॉइस नहीं है। किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद ये है, तो उसका 7वां पद याद कीजिए। ठीक है, तो अब देखिए दूसरे का काम कर रहे हैं, तो इसका जो है एनवा पद, हमें एनवा पद का मतलब होता है टी एन, यानी टी एन हमें दे रखा है 2n-1। ठीक है, क्या पूछा 7वां पद, तो 7वां पद निकालने के लिए आपको एन के स्थान क्या रख देना, 7 रख देना। जैसे हम एन के स्थान में 7 रखेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो n के स्थान पर हमने 7 रखा, अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे तो 2 × 7 = 14, 14 में से 1 गया कितना बचा 13, तो 7वां पद कितना आ गया 13। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया 13। अब 2 का खा देख लेते हैं, 2 का खा, 2 बिंदु ये हैं तो इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, देखिए ये तो काम करेगा x1/y1 का और ये काम करेगा x2/y2 का। ठीक, वो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ, निर्देशांक, तो मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र है x1+x2/2, y1+y2/2। अब देखिए यहाँ पे ये वैल्यू हमें 13 रखेंगे, रख देते हैं, x1 के स्थान में कितना जरा बताएंगे देख के, -8, x2 कितना है 0, प्लस का 0 और अपॉन में क्या लिखना है 2, y1 देखिए क्या है 0 और y2 कितना माइनस का
अपॉन में। अब हम इसको सॉल्व किया, जब 2 से भाग देंगे तो आएगा 2 चौक 8, ठीक है, और ये 0 में से 8 गया माइनस 8, फिर माइनस के 4, तो इसका आंसर क्या आ गया, -4.4। अब यहीं पे गा वाला पार्ट देख लेते हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाला इरेज कर लेता हूँ, फिर इसको करता हूँ। चलिए 2 के गा का अब हम आंसर देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे इसकी, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई इसकी, ठीक है, इसी को आप लेफ्ट हैंड साइड मान लें, ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर 1 - sin θ, 1 + sin θ, 2 वर्गों के अंतर का फॉर्मूला है, यानी कि a - b, a + b, तो इसको हम लिखेंगे 1 - sin²θ और ये 1 + tan²θ। 1 - sin²θ सरसमिका से होता है cos²θ, और 1 + tan²θ सरसमिका से होता है sec²θ, कितना होता है sec²θ, और cos²θ हम ऐसे रहने देंगे, और sec²θ होता है 1/cos²θ, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो सूत्र प्रोवाइड किए हैं वहाँ पर सारे फॉर्मूले सॉरी लिखे हैं, आप वहाँ से इन फॉर्मूलों को देख सकते हैं। तो ये आ गए इसकी राइट हैंड साइड। अब देखिए इसी का सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड के सूत्र क्या वो मैं लिख देता हूँ। देखिए ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, ये इसका फॉर्मूला होता है θ/360 × πr², यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक कोण 60 डिग्री है, ठीक है। तो थीटा के स्थान पर हम देखिए यहाँ रख दिया 60 डिग्री और ये हो गया 360। पाई की वैल्यू हम 22/7 यहाँ रख सकते हैं, चाहो तो पाई की वैल्यू ना भी रखें, पाई की वैल्यू हम तभी रखते हैं जब कट रहा हो। अब देखिए यहाँ पे आर के स्थान पर हमने रख दिया 6, यहाँ देखिए एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 × 6 = 36 और 6 से 6 कट गया। तो यहाँ पर या तो आप पाई के टर्म में भी छोड़ सकते हो, इसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर है, तो इसका मात्रक हो जाएगा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या पाई की वैल्यू होती है 3.14 या 22/7, ठीक है। तो आप इसमें कोई सा भी ले सकते हो, मान लीजिए 3.14 भी ले सकते हो, अगर ये याद नहीं है तो आप 22/7 भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मात्रक जरूर लिखना, अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो आधा नंबर आपका कट सकता है। यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का अगला। किसी बंटन का माध्य 16 है, ठीक है, बहुलक 13 है, तो बंटन की माध्य ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपका आता माध्य, फिर आती माध्य का, इसे माध्यक भी बोलते हैं, और फिर तीसरे नंबर पर आता बहुलक, ठीक है। तो इन तीनों में आपस में ये रिलेशन होता है, बहुलक बराबर 3 माध्य का - 2 बहुलक। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो, पहले बहुलक यानी शुरू से पहले लास्ट वाला आएगा ये वाला, ठीक, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा तीसरे नंबर, यानी उल्टा आएगा, ठीक है, ये हुआ 3 - 2। तो इस तरह से आप इस सूत्र को याद सकते हो, लास्ट वाले को पहले लिखना है, बीच वाला ऐसे रहेगा, यानी उल्टा कर देना, बहुलक बराबर 3 माध्य का - 2 माध्य। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या निकालना, तो यहाँ पर किसी बंटन का माध्य 16 है, यानी कि हमें जो माध्य है यहाँ पर जो लिखना था बहुलक इक्वल टू माध्य का माइनस, यहाँ बहुलक की जगह यहाँ आएगा माध्य का, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे माध्य, ठीक है। तो ये फॉर्म बहुलक इक्वल टू क्या हुआ 3 माध्य का - 2 माध्य। तो अब यहाँ से देखिए क्या चीज़ दे रखी है हमें, बंटन का माध्य 16 दे रखा, तो माध्य की जगह मैं 16 लिख देता हूँ, और बहुलक दे रखा 13, तो बहुलक की जगह मैंने क्या रख दिया 13। और माध्य का हमें निकालनी है, तो माध्य को हम शॉर्टकट में ME बोल देते हैं, और माध्य कितना है, माध्य है 16। इसको सोल्व कर लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 16 × 32 हो जाएगा, और इधर आके ये प्लस का हो जाएगा 32। तो माध्य का हमें निकालनी है, ME बोल देते हैं माध्य को, 32 × 13 हो गया 45, ठीक है। और ये जो 3 है वो बटे में पहुंच जाएगा 45/3, देखिए 3 से काट देंगे इसको, 3 × 3 = 15, तो माध्य कितनी आ गई, माध्य का, तो माध्य का बराबर हो गई 15। तो क्या आंसर आया इसका, 15 इसका आंसर आ गया।
है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, सभी खंड की। ये देखिए 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, सिद्ध करो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम पूरा अच्छे से वो आपको कराते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्या करना है, सिद्ध कीजिए रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब भी हम इसे सिद्ध करना हो अपरिमेय, तो इसको हम कंट्राडक्शन विधि यानी विरोधाभास विधि से करते हैं। तो इसके लिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि माना रूट 3 एक जो है वो परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या मान लिया हमने इसको, परिमेय। ठीक, ये कहलाती है विरोधाभास विधि यानी कंट्राडक्शन मेथड। तो मान लिया हमने रूट 3 क्या है, एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या तो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होगी, और पी और क्यू क्या होते हैं, परस्पर अभाज्य, पूर्णांक तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी पी और क्यू आपस में कटने नहीं चाहिए। ठीक है, पी और क्यू क्या, परस्पर अभाज्य पूर्णांक। तो अगर हम किसी प्रकार से पी और क्यू को भाज्य सिद्ध कर दें, तो इसका मतलब हम जो मानी हमने ये परिमेय, ये गलत हो जाएगा। अगर परिमेय नहीं होगी तो कैसी होगी, अपरिमेय। तो इसके लिए हमने देखिए दोनों पक्षों का वर्ग किया, रूट 3 का वर्ग 3 आ गया, पी का वर्ग पी स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर दोनों वर्ग करने पर हो गया 3 क्यू स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर, 3 क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दी। अब हमने क्या करा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 क्यू स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ से जरा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर 3 से भाज्य संख्या है। क्यों है 3 से भाज्य, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 3 रखा हुआ, इसलिए। ठीक है, अब ये 3 क्यू स्क्वायर जो पी स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब पी स्क्वायर भी क्या है, 3 से भाज्य संख्या है। अब हम बता दें, अगर किसी संख्या का वर्ग किसी संख्या से विभाज्य होता है तो वर्गमूल भी 100% होता है। जैसे देखिए मान लीजिए 2 का वर्ग है, 2 का वर्ग क्या, 4 है, 4 अगर 2 से कट रहा है तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 100% भी 2 से कटेगा। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए पी स्क्वायर 3 से भाज्य है, तो इसका मतलब पी भी कैसा होगा, 3 से भाज्य होगा। तो इसका मतलब पी जो है वो 3 से कट रहा है, यानी पी की जो वैल्यू होगी वो 3 × समथिंग होगी। तो हमने मान ली क्या है, p = 3x। ठीक है, अब जब p = 3x है, तो ये वैल्यू उठा के हमने समीकरण 1 में रख दी, ये वाली में समीकरण 1 में हमने रखी, तो ये आ गया 3q² = 3x² इसका वर्ग करा 9x² आ गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए हमने 3 से काट दिया, 3 × 9 यानी q² = 3x². ठीक, अब देखिए फिर वही वाली बात जैसे कि यहाँ पे हुआ था। तो अब हम देखिए जरा ध्यान देंगे कि 3x² क्या, 3 से भाज्य, क्यों है, क्योंकि इंटू में 3 आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वही लाइन फिर लिखेंगे, q² = कितना हो गया, 3x², अर्थात 3x² 3 से भाज्य संख्या है। अब चूंकि 3x² q² के बराबर में है, तो इसका मतलब q² भी कैसा है, 3 से भाज्य है। अभी हमने जैसा कि बताया था, किसी संख्या का वर्ग अगर 3 से भाज्य है तो वर्गमूल भी 3 से भाज्य होगा। तो अब जरा ध्यान दें, एक इस वाली बात से, कौन सी वाली से, इस वाली बात से, देखिए ये वाली बात और लास्ट वाली बात, इसमें क्या कह रहा है, पी जो है वो 3 से भाज्य है, और यहाँ कह रहा है क्यू भी 3 से भाज्य है। तो इसका मतलब पी और क्यू दोनों 3 से भाज्य हैं, यानी पी और क्यू में दोनों में पी 3 जो है वो कॉमन गुणनखंड है, जबकि यहाँ हमने कहा था कि इसमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत था, यानी पी और क्यू दोनों 3 से भाज्य, पी और क्यू दोनों 3 से भाज्य हैं, जो हमारी परिकल्पना के विपरीत है, यानी कि जो हमने माना था वो नहीं है। जब वो नहीं है तो इसका मतलब क्या है, रूट 3 एक परिमेय संख्या, सॉरी अपरिमेय संख्या है। कैसी है रूट 3 एक अपरिमेय, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यही इसको प्रूव करना था कि रूट 3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ परिमेय लिखा, इसको भी सही कर दूँ, अपरिमेय। क्या सिद्ध करना है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए का मान याद कीजिए जिसके लिए निकाय ये अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए तीसरा का क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे है, ए का मान याद कीजिए निकाय ये अपरिमित रूप से अनेक हल। हम जानते हैं कि 2 इक्वेशन अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं यदि क्या हो, a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर हो c1/c2। अगर ये तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं तो ये होता है अपरिमित रूप से अनेक हल का प्रतिबंध। किसका, अपरिमित रूप से अनेक हल, किसका है, अनेक। ठीक है, ये प्रतिबंध है इसका। अब देखिए, अब यहाँ पर a1/a2 से मतलब है x का कोफिशिएंट, ये वाला,
मैं यहाँ अलग कर दिया, ये जो कहलाता है ए वन अपॉन ए टू कहलाता है। तो ये कितना है, ए अपॉन एट, बराबर कितना होगा ये वाला टू अपॉन ए, और बराबर कौन सा ये वाला अचर पद माइनस का टू अपॉन माइनस का फोर। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करके हम ए की वैल्यू निकालेंगे। देखिए पहला और दूसरा वाला बराबर कर लेते हैं, या पहला और लास्ट वाला बराबर कर लीजिए। तो ए अपॉन एट बराबर हो जाएगा माइनस का टू अपॉन माइनस का फोर। तो देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, और ये दो दूनी चार, तो ए बराबर आ जाएगा 8/2, दो से काट देंगे दो चौक 8, तो ए बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए पहला दूसरा बराबर कर सकते थे, इससे भी देखिए ये आता। तो पहला दूसरा बराबर करते थे क्या आता, ए अपॉन एट बराबर टू अपॉन ए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, कैंची गुणा जिसे बोलते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 16, तो इसका वर्गमूल लेंगे तो ए बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक, अब देखते हैं इसका गा पार्ट, गा पार्ट क्या है इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दिए गए चित्र में पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर तथा पी एस टी इजिकल टू पी आर क्यू है, सिद्ध करो कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो पी क्यू आर से एक समद्विबाहु त्रिभुज तब होगा जब क्या नाम है ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए। ठीक है, तो देखो इसे कैसे करना, पहले मैं इसको ओरली आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा पी एस टी इक्वल पी एस टी वाला कोण जो है इस कोण के बराबर दे रखा, और यहाँ पर हमें ये दे रखा पी एस इजिकल टू एस क्यू और पी टी इजिकल टू टी आर। हम ये जानते हैं इनकी भुजाओं का जो अनुपात है, ठीक है, ये तब बराबर होता है जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। जब ये समरूप है तो इनके जो संगत कोण है वो बराबर होंगे, यानी ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, क्वेश्चन में ये वाला जो एक्स है तो ये भी एक्स दे रखा। तो हम देखिए क्यू और आर दोनों कैसे हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू आर एक संधिबाहु त्रिभुज है। चलिए मैं अब इसको करके दिखा देता हूँ आपको। चलिए अब हम देखिए इस क्वेश्चन का यानी तीसरे गा का सॉल्यूशन देख लेते हैं। चित्र में पी एस बटे एस क्यू पी टी बटे टी आर और ये दे रखा सिद्ध करो पी क्यू आर संधिबाहु त्रिभुज है। तो इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो त्रिभुज देखिए इसमें पी एस टी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, आप देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि पी एस टी जो है वो पी आर क्यू के बराबर है, यानी कि इसका जो ये एस एंगल है वो इस आर एंगल के इक्वल है। ठीक है, हमें प्रूफ करना है त्रिभुज ए बी सी एक संधिबाहु हुआ, तो बस किसी तरह से ये जो एक्स है इसको भी एक्स लिया हो, और ये एक्स ये भी एक्स तब होगा जब त्रिभुज पी एस टी और पी क्यू आर संधिबाहु हो, और ये समरूप, और समरूप कब होंगे जब इनकी भुजाएं आनुपातिक हों। तो हमें देखिए ये रिलेशन दे रखा, तो इस रिलेशन को लेके चलेंगे हम। मैंने क्या करा, पहले इसको पलट लिया, पलट लेंगे तो एस क्यू अपॉन पी एस हो गया, टी आर अपॉन पी टी हो गया, दोनों साइड में प्लस वन कर दिया। ठीक है, और इसका मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम लेंगे तो एस क्यू प्लस पी एस अपॉन पी एस, मतलब सर इसकी जो है भिन्न को एलसीएम ले लिया पी टी, तो टी आर प्लस पी टी अपॉन पी टी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जरा क्षेत्र से एस क्यू प्लस पी एस, यानी कि एस क्यू प्लस पी एस को हम ले सकते हैं पी क्यू, और टी आर प्लस पी टी को ले सकते हैं हम पी आर। तो यहाँ पर देखिए इनकी भुजाएं कैसी आ गई, अनुपातिक, यानी कि पी क्यू बड़े त्रिभुज की भुजा बटे छोटे त्रिभुज की भुजा, फिर देखिए बड़े त्रिभुज की पी आर और छोटे त्रिभुज की पी टी। ये कंडीशन जो होती है तभी आती है जब ये दो त्रिभुज समरूप हो। तो इसका मतलब त्रिभुज पी एस टी और पी क्यू आर कैसे हो गए, संधिबाहु त्रिभुज हो गए। जब ये सॉरी समरूप त्रिभुज हो गए, जब ये समरूप का चिन्ह होता है, जब ये समरूप त्रिभुज हो गया तो इसका मतलब कोण एस जो हो गया वो क्यू के बराबर हो गया। कोण क्यू किसके बराबर हो गया, एस के, और हमने एस दे रखा है कितना मान लिया था हमने इसको एक्स। ठीक है, तो अब क्या हुआ, एस बराबर आर तो पहले ही था, ठीक, क्यू बराबर एस अब हमने लिख दिया, तो इसका मतलब कोण क्यू बराबर हो गया कोण आर बराबर कितना, एक्स। तो त्रिभुज कैसा हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर एक संधिबाहु त्रिभुज। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक को वृत्ताकार सिरे की त्रिज्याएं 38 और 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो फॉर्मूले हमने आपको प्रोवाइड करे हैं उसमें अगर आपने वो फॉर्मूले अच्छे से याद कर रहे हैं कर लिए तो एक और दो नंबर वाले क्वेश्चन तो आप बिना प्रैक्टिस के फॉर्मूले के आधार पर ही कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से बताते हैं। तो आपने क्वेश्चन ये अच्छे से देख लिया होगा। क्वेश्चन है लंबा एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं। देखिए एक सिरा ये है छोटा वाला, बड़ा वाला सिरा आपको नीचे दिख रहा होगा, इनकी त्रिज्याएं ये है। तो इसके लिए तिरछी ऊंचाई के लिए फॉर्मूला ये है एच स्क्वायर। तो एच यहाँ पर देखिए चित्र में आपको दिखा दिया हमने, जो एच है वो 40 है, तो यहाँ पर देखिए 40 का स्क्वायर, ये सूत्र मैंने लिख दिया, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। और दूसरा है R1 - R2 यानी त्रिज्याओं का अंतर। R1 है यहाँ पे 38 और R2 है यहाँ पर 8। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो तिरछी ऊंचाई निकल के आ जाएगी। तो 40 का जो वर्ग होगा 16 100 हुआ, और 38 में से 8 क्या बचे 30। अब हम 30 का वर्ग और कर लेते हैं, 30 का जो वर्ग होगा ये हो गया 16 100, और 30 का वर्ग हो जाएगा 900। ठीक है, तो इसको हमने 16 100 900 हो गए 2500, वर्गमूल लिया 25 का 5 2 जीरो का 1 रह जाएगा, तो तिरछी ऊंचाई आ गई 50 सेंटीमीटर। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा हमने HCF करना है। यहाँ ये क्वेश्चन उसमें भी दिया था जो हमने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराए हैं उसमें भी ये क्वेश्चन था। चलिए अब हम इसको बताते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन अब हमने कर दिया, इसको देखते हैं। हमें जो है इसका HCF निकालना था, अब वो भी किस लिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड डिवीजन लेमा बोलते हैं इसको। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये वाला, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मीनिंग है ए जो होता है वो भाज्य कहलाता है, बी कहलाता है भाजक, क्यू कहलाता है भागफल और आर कहलाता है शेषफल। तो इसे करने का तरीका ये है कि इन दोनों में जो सबसे बड़ी संख्या है पहले हम उसको यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, और छोटी वाली को यहाँ पे लिख लेते हैं। अब इसके गुणा में ये क्यू के वैल्यू पता लगानी है, क्यू क्या होता है भागफल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो छोटी वाली संख्या उससे बड़ी वाली को भाग करेंगे। देखिए भागफल कितना आ गया 3, यहाँ पर लिख दिया, प्लस शेषफल, शेषफल यहाँ पे भाग देने के बाद जो शेषफल आता है वो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये शेषफल आ गया। ठीक है, अब बिल्कुल क्या करेंगे, दोबारा यही प्रोसेस करेंगे, इस वाले नंबर को उठा के हम इधर लिख देंगे, यहाँ पे देखिए लिख दिया, और जो ये वाला नंबर है उसको यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ से 272 से हम फिर इसको फिर हम डिवाइड करेंगे 216 से, किसको, इधर वाले नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो 216 से 272 को हमने फिर डिवाइड किया तो एक बार आया, तो भागफल कितना आ गया 1, और शेषफल कितना आया इसका 56, तो हमने 56 यहाँ पर रख दिया। ठीक, फिर वही काम करा हमने, 216 को हमने यहाँ पर लिख लिया और 56 को हमने यहाँ पर, 216 यहाँ पर, अब इसकी मल्टीप्लाई में हमें भागफल पता करना, तो 56 से हमने 216 को भाग किया, 56 से 216 को भाग किया कितना आया भागफल 3। ठीक है, और जो शेषफल बचा, शेषफल कितना बचा 48, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर वही काम करा हमने, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लिया और 48 को यहाँ पे लिख लिया। अब 48 से 56 को फिर भाग देंगे, 48 से 56 को भाग दिया तो भागफल आया 1 और शेषफल कितना आया 8। फिर वही काम किया हमने, 48 यहाँ पे लिखा और 8 यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब 8 से फिर हम 48 को भाग देंगे तो 8 6 48, तो शेषफल कितना आ गया 0। जब शेषफल 0 आता वहीं पर इसे स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो मासा आ गया जो लास्ट वाला होता है यानी कि लास्ट में जो भागफल दे के आता है यहाँ पे वही जो कहलाता है इसका मासा कहलाता है यानी HCF कहलाता है। इसका HCF हो गया 8। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का खा पार्ट अब हम देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए, क्या है क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के ब्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर। ये क्वेश्चन हम करेंगे, प्रमेय है ये, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है, तो अब हम इस प्रमेय को करते हैं। तो इस प्रमेय को करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है कथन, कथन जो प्रश्न में दिया होता है उसी से लिखते हैं, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये तो हो गया इसका कथन। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं दिया है, तो हमें क्या दे रखा है, इस क्वेश्चन को ही जो कथन दिया होता है इसी में हमें छुपा होता है क्या दे रखा है। ठीक है,
तो दिया है। फिर जो तीसरे नंबर पर सिद्ध करना और उसके बाद रचना और ये उपपत्ति। तो दिया में देखिए क्या दे रखा, किसी व्रत के किसी ब्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी हमें ये दे रखा है कि ए बी और डी जो है ब्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है कि ये दोनों कैसी समांतर है। ठीक, अब रचना, रचना में तो कुछ हमें करना नहीं रहा, अगर कुछ एक्स्ट्रा काम करना होता है तो वो हम रचना में लिखते हैं, तो यहाँ कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है। अब उत्पत्ति करनी है, देखिए क्या त्रिज्या स्पर्शी पर लम्ब होती है, ये हम जानते हैं कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्शी पर लम्ब होती है। जब त्रिज्या स्पर्शी पर लम्ब होती है तो इसका मतलब कोण ओ सी बी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। बिल्कुल इसी प्रकार से कोण ओ एफ डी बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। समीकरण एक और दो से देखिए राइट बराबर है तो लेफ्ट इक्वल हो जाएंगी, तो कोण ओ सी बी बराबर हो गया ओ एफ डी बराबर 90 डिग्री। और देखिए ये भी 90 डिग्री हो गया, यहाँ ये भी 90 डिग्री हो गया और ये भी 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कैसे हो गए, एकांतर कोण। जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये दोनों रेखाएं क्या होती हैं, आपस में समांतर होती हैं। तो इससे क्या प्रूव हुआ कि ए बी और डी जो रेखाएं हैं वो आपस में समांतर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का गा पाठ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का गा। देख क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्याखंड काटा गया है, त्रिज्याखंड का कोण 60 अंश है, उसके चाप की लंबाई और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है, अब हम आपको बता दें क्वेश्चन नंबर यह है 4 का गा, तो यहाँ पर जो दिया रखा हमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि आर बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ में त्रिज्याखंड का कोण यानी थीटा बराबर दे रखा है 60 अंश, तो हमसे पूछी चाप की लंबाई, तो फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई का, मैं दोनों के फॉर्मूले लिख देता हूँ। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, ये मैंने सूत्र लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, ये देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला थीटा बटे 360 × 2π r, 2π r क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है, थीटा के स्थान पे हमें दे रखा है यहाँ पर 60 अंश, और ये 360 यहाँ पर ऐसी रहेगा और गुलामी 2, और पाई की जगह 22/7 और आर की जगह कितना है 21। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 6 36 और ये 7 3 21 और 3 2 6 और 2 से 2 कट गया, कितना आ गया ये, यहाँ बचा 22, कितना आ गया 22। अब मात्रा क्या है इसका, सेंटीमीटर। अब ऐसे ही आ रहा, देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे हम, थीटा का स्थान क्या लिखा हमने 60 लिखा और यहाँ पे है 360, पाई के स्थान क्या लिखेंगे 22/7 और आर के स्थान में कितना है 21। अब 21 का क्या है यहाँ पर, स्क्वायर है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 6 36। ठीक है, और इसे और सॉल्व कर, 2 3 6 और 2 को काटेंगे 11। अब इसको मैं और सोल्व कर लेता हूँ, देखिए ऊपर बचा 11 और 21 को हमने 2 बार लिख लिया। ठीक है, और नीचे कितना बचा, 3 × 7। अब इसे और सोल्व कर लेते हैं, देखिए 7 3 21 और 3 से 3 कट गया। अब इसकी गुणा कर लेंगे, क्या आएगा, 11 11 11 2 22 और 1 23, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल निकालते हैं वर्ग सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आ गया इसका लंबाई चाप की। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का घा पाठ, देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है, तो इससे हम पहले उनकी त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, फिर उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का घा, क्वेश्चन नंबर 4 का घा। तो क्या है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो हम पहले यहाँ पे दोनों के सूत्र लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया है, फॉर्मूला क्या लिखा, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन, यह हमें दे रखा था 64:27। तो पहले गोले का आयतन हम जानते हैं, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई। अब चूंकि दो गोले हैं तो त्रिज्या मैंने पहले की 3 ले ली है, इस तरह दूसरे गोले का आयतन होगा 4/3 π r²³, और यहाँ पर कितना 64/27। ठीक है, तो
अब यहाँ पर देखिए 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया। यहाँ हम ले सकते हैं इसको आर वन बटे आर टू का होल क्यूब, ठीक, और इसे ले सकते हैं 4/3 का होल क्यूब। अब दोनों पक्षों का हम घनमूल ले लेंगे, तो जब हम घनमूल लेंगे तो क्या आएगा, आर वन बटे आर टू बराबर 4/3, ठीक है। तो ये आर वन बटे आर टू आ गया। पूछा क्या हमसे उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, तो अब हम यह लिखेंगे पहले गोले का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ। क्या लिखेंगे, पहले गोले का वक्र पृष्ठ, मैं इसको लिख देता हूँ गोले का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ देखिए मैंने सूत्र लिख दिया है, पहले गोले का वक्र पृष्ठ बटे दूसरे गोले का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पर देखिए 4 से 4 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और यहाँ बचा आप आर वन बटे आर टू का होल स्क्वायर, ठीक है। आर वन बटे आर टू हमने पहले निकाला कितना, 4/3, तो इसके स्थान पे मैंने 4/3 लिख दिया। और जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का वर्ग हो गया 16 और 3 का वर्ग हो गया 9। तो कितना अनुपात आ गया, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात आ गया 16:13। तो इसका अनुपात के रूप में हम लिखेंगे 16:9, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का, ये दे रखा है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। एक ये देखा 3x² - x³ - 3x + 5 को x-1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो पहले हमें इसको इससे भाग देना है, और भाग देने के बाद जो है जो विभाजन एल्गोरिथम है यानी कि जो यूक्लिड विभाजन लेमा है उससे इसकी जांच भी करनी है, ठीक है। चलिए अब हम इसको दिखाते हैं भाग देना। देखिए डिवाइड करने से पहले हम इसमें हम एक काम करते हैं कि पहले इसको हमने क्या आरोही क्रम में लिख लिया, ठीक है, होगा आपको, और इसको भी हमने क्या लिखा अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम मतलब घातों के घटते हुए क्रम में, तभी हमें इसे डिवाइड करना चाहिए। तो देखिए घातों घटते क्रम में लिख लिया। अब सबसे पहले देखिए सबसे पहला वाला, तो सबसे पहले हमें क्या है, एक्स की घात 3 है, यहाँ पर एक्स की घात 2 है, तो हमें पहले जो डिवाइड करेंगे इसको एक्स से करेंगे। अब एक्स की हमें इस पूरे से मल्टीप्लाई करनी है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो यह आएगा माइनस के एक्स क्यूब और प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो जो साइन है वो सब चेंज हो जाएंगे, तो साइन होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कितना बचा, 2 3x² में से एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2x², इधर बचेगा माइनस का 2x, ठीक। तो यहाँ से जो एक बचा है 5, इसको भी मैं लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी वो करना अब हमें इसे 2 से, ठीक है, अब वो भी प्लस का, तो जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ देखिए यहाँ पर साइन बिल्कुल हमें सेम टू सेम करना पड़ता है, तो यहाँ पे माइनस के से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, किससे, माइनस से। तो मैं यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, माइनस, क्योंकि चिन्ह बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए पहला वाला। तो जब हम -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x², ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये हो जाएगा प्लस का। तो अब इसके देखिए साइन चेंज करेंगे, जब साइन चेंज करेंगे तो ये पहला वाला कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये भी देखिए अपोजिट साइन हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, ये माइनस का ये प्लस का, तो रिमाइंडर बचा 3, ठीक। क्या कह रहा था, ये इतने को भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जाँच कीजिए। तो अब हमें जाँच क्या करनी है, फॉर्मूला होता है a=bq+r, ठीक है। ए क्या होता है, ये वाला भार जिससे हम भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ए के स्थान पर मैं लिख देता हूँ -x³+3x² - k 3x + k 5, ठीक है। और ये किसके बराबर आना चाहिए, bq+r के बराबर आना चाहिए। b क्या होता है, यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक, यानी जिससे भाग दिया गया, भाग किससे दिया गया था, ये वाला x² + x - 1 इंटू भागफल, भागफल कितना है यहाँ पर x-2 और प्लस के शेषफल, शेषफल कितना आया था यहाँ पर 3। तो इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए, अगर ये आ गया तो हमारा आंसर ये सही है, अगर ये नहीं आता तो ये हमारा आंसर गलत है। तो चलिए अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखिए पहले x से, तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स क्यूब और प्लस का हो जाएगा x² - x। अब देखिए -2 से करेंगे तो प्लस का 2x² और ये माइनस का 2x और माइनस माइनस हो गया प्लस और प्लस का 3। अब इसको हम सोल्व करके देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आ गया माइनस का x क्यूब,
एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये हो गया प्लस का 3x2, और यहाँ पर देखिए माइनस का एक्स और माइनस का 2x, ये हो गया माइनस का 3x। अब एक्स वाले देखेंगे ये हो गया माइनस का 3x, माइनस 3x हो गया, अब क्या बचा प्लस के वाई। तो आप देखिए ये बिल्कुल सेम वही आ गया जो लेफ्ट हैंड साइड है। तो इसका मतलब जो है हमारा जो क्वेश्चन है हमने जो डिवाइड किया वो बिल्कुल सही है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का खा। बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये वाला बिंदु इस दोनों को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब ये अंतः विभाजन सूत्र से हमें करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 रखा, बिंदु ये यानी ये बिंदु बीच में आ गया, इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये वाला बिंदु हमने यहाँ ले लिया, देखिए ये आ गया बिंदु, ये सिरे हो गए, एक ये और एक ये वाला, इसको किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि हमसे M1 और M2 हमसे पूछा है। तो ये पहला वाला काम करेगा X1 by 1 का, दूसरा बिंदु काम करेगा X2 by 2 का, जो बीच वाला बिंदु वो काम करेगा X y का। यहाँ M1 M2 निकालना, तो चलिए मैं इसका आप पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला है अंतः विभाजन का वो है कैपिटल X बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2। बिल्कुल ऐसे ही हम कैपिटल Y का फॉर्मूला भी लिखेंगे। ठीक है, और ये सारी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे, तो मैं इसमें वैल्यू रख देता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन मैंने कर दिया है, आप यहाँ पर से देख लीजिए। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला पहले मैंने बनाया, अंतः विभाजन का फॉर्मूला ये है। तो वैसे अनुपात तो एक ही फॉर्मूले से निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम दोनों से निकालेंगे क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन है, तो कुछ स्टेप इसमें होने चाहिए। तो देखिए हमने जब पहले वाले में रखी ये सारी वैल्यू जो कोई ऊपर से देख के यहाँ पर रख दी, अब हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, ऊपर ही मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करा, इनका पक्षांतर किया। पक्षांतर करने M1 वाले एक साइड में रहेगा, 4 और 3 कितना होगा 7, और उधर देखिए 4 - 6 यानी माइनस का 2 बचा, M1 के बटे में M2 हो गया, यहाँ माइनस माइनस दोनों प्लस हो गया। ठीक है, तो कितना अनुपात आ गया, 2:7 आ गया। बिल्कुल ऐसे ही हम बाई वाला ये वाला लेके कर सकते हैं, ये देखिए हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया है इसको, तो इससे भी वही अनुपात आ रहा, 2:7। तो अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो हम यहीं पे छोड़ सकते हैं, लेकिन 4 नंबर का, तो इसलिए ये वाला भाग भी इसका सोल्व कर देंगे, ये वाला जो नीला मैंने राउंड किया इसे भी सोल्व करेंगे। तो देखिए देखते हैं, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, देखिए ये क्वेश्चन मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखी है, सीरीज दे रखी है, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ, और यहाँ भी देखिए इसमें आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम इसको अब कराते हैं। देखिए हम इसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही लेंगे। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली है, पी क्यू की वैल्यू ये है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पर ले ली। अब यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू मैं रख के यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए पी की जो वैल्यू है वो है tan θ + sin θ का होल स्क्वायर। ठीक है, बीच में माइनस चिन्ह लगा दिया। क्यू की वैल्यू कितनी, tan θ - sin θ का होल स्क्वायर। आप इसका होल स्क्वायर का सूत्र खोल लेते हैं, tan θ + sin θ यानी a + b का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ, tan²θ + sin²θ + 2ab का मतलब 2 tan θ * sin θ। ऐसे इसका फॉर्मूला खोलेंगे, बाहर माइनस है तो इसके लिए ब्रैकेट लगा लेंगे, या अंदर के साइन चेंज करते जाएंगे। अभी हम फिलहाल ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखिए ये आ गया tan²θ + sin²θ, और ये माइनस के 2 tan θ * sin θ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, तो ब्रैकेट खोलने पर क्या आएगा, tan²θ + sin²θ + 2 tan θ * sin θ। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के जो है साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए मैंने सारे साइन जो है चेंज कर दिए, ये माइनस का हो जाएगा प्लस 2 tan θ * sin θ। तो यहाँ पर देखिए tan²θ से tan²θ कैंसिल हो गया, sin²θ से sin²θ कैंसिल हो गया, और ये आ जाएगा जुड़ जाएंगे, ये आ जाएगा 4 tan θ * sin θ। ठीक, अब हम लेंगे राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ब्लैक पेन से ले लेता हूँ। तो राइट हैंड साइड क्या है इसकी, 4√3
क्यू। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू की वैल्यू रखेंगे, 16 क्या यही आनी चाहिए, तो 4 ये पी की वैल्यू क्या है, ये है टेन थीटा। मैं इसको और लंबा कर लूँ, टेन थीटा प्लस के साइन थीटा, और क्यू की वैल्यू कितनी है वो भी यही है, टेन थीटा माइनस के साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर दो वर्गों का अंतर है, तो दो वर्गों के अंतर का सूत्र मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर हम लगा देंगे, टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो इसको मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे और साथ में एलसीएम भी, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, क्या बचा है यहाँ पे एक बटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इस स्क्वायर की वजह से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा वो टेन थीटा इंटू साइन थीटा। देखिए आ गई लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो इसकी जगह मैं लिखा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट घ पार्ट, निम्नलिखित सारणी में 15 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसका हमें माध्य निकालना, तो सीधा फॉर्मूला लगाना है इसके अंदर। चलिए मैं इसकी टेबल भी आपको बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये क्वेश्चन की, ये पहला वाला होता है वर्णांतराल, तो ये वर्णांतराल आ गया। ठीक है, दूसरा होता है बारम्बार, तो ये मैंने बारम्बार यहाँ निकली। इससे पहले एक पॉइंट होगा इनका मध्यमान, तो मध्यमान एक्स, तो मध्यमान कैसे निकालते हैं पहले ये बता दें, दोनों को जोड़ना और उसे आधा करना, तो 45 और 55 जोड़ेंगे और उसे आधा करेंगे आ जाएगा 50, तो इस तरह मध्यमान निकल जाता है। अब देखिए 55 और 65 जोड़ेंगे आएगा 120, इसका आधा करेंगे आएगा 60। ऐसे देखिए 65 और 75 को जोड़ेंगे, 5 5 10 7 6 13 140 आ जाएगा 70। अब आपको मालूम चल गया होगा कि आगे वाला क्या आएगा 80 और फिर ये 90। ठीक, बारम्बार ये हमें दे रखी है, हमने लिख ली 3 10 11, इसके बाद देखिए यहाँ पे 8 और ये 3, इसके बाद एफ एक्स, एफ एक्स का मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, तो 50 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 150, 60 की इससे करेंगे आएगा 600, उसके बाद 70 की 11 से करेंगे तो 11 7 77, 0 लगा देंगे, 8 8 64, और उसके बाद 9 3 27। अब हम इनको यहाँ पर देखिए, यहाँ आएगा सिग्मा एफ और यहाँ आएगा सिग्मा एफ एक्स, तो इनकी प्लस का यहाँ लिख देंगे, इन्हें जोड़ें 10 3 13 13 11 हो गए 24 8 32 7 3 35, ऐसे इनको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, 0 का 0 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 5 7 12 4 16 7 23 का 3, हाँ से लगे 2 2 1 3 3 6 9 8 7 16 16 6 22 2 24। ठीक है, और ये फॉर्मूला होता है हमारा एक्स बार यानी माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक, सिग्मा एफ एक्स कितना है यहाँ पर 2 4 3 0 और ये कितना है 35। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काट देंगे, देखिए 5 7 35 और ये होगा 5 4 20, 4 5 5 8 40, 5 6 30, 7 6 42, और काट लेते हैं देखिए 7 से कितने बार कटेगा, पॉइंटों में इसका आंसर जाएगा 7 6 42, 6 6 63, तो भी मैं पॉइंटों में इसको भाग देके यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर हो गया, इसको डिवाइड करने के बाद आया 69.428, यानी माध्य साक्षरता दर हो गई वो 69.428 हो गई।
ठीक है, अब चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, दो संख्याओं की वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं याद कीजिए। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर सिक्स यहाँ पर करते हैं सिक्स का। अब देखिए क्या दे रखा, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो मान लिया हमने जो दो संख्याएं हैं, क्या लिखिए, माना दो संख्याएं, दो संख्याएं, हमने जो दो संख्याएं एक्स व वाई हैं, हमने ये मान ली, ठीक है, जहां एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स को मान लिया बड़ा वाई से, ठीक है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो क्या दे रखा हमें, पहला दे रखा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बराबर कितना है 180, एक कंडीशन तो हमें ये दे रखी है। दूसरी दे रखी है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है इसमें, बाई, यानी इसका वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, 8, बड़ी संख्या कौन सी एक्स, इसका 8 गुना, 8 गुना है, ठीक है। तो छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब इन्हें सोल्व करके हम दोनों संख्याएं निकाल देंगे, ये डाल देते हैं समीकरण एक और ये डाल देते हैं समीकरण, ठीक। तो समीकरण दो से उठा के 22 का मान हम समीकरण एक में रख देते हैं, जब इसमें 22 की जगह हम क्या रख देंगे, ये टैक्स रख दिया हमने, और इसको हम सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के ए टैक्स माइनस 180। अब इसके गुणनखंड कर लेते हैं, अब देखिए 180 लाना है और ये 8 लाना है, तो 18 ढाई 180, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 18 माइनस 10, 18 में से 10 गए 8 और 18 180 इंटू एक्स। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 18x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x माइनस के 180 इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा यहाँ से एक्स माइनस के 18, और यहाँ 10 कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचा एक्स माइनस के 18 इजिकल टू 0। तो एक्स माइनस 18 दोनों में से कॉमन आ गया, अब क्या बचा इधर एक्स प्लस 10 इजिकल टू 0। तो एक बार दिस इजिकल टू 0 और एक बार दिस इजिकल टू 0, जब हम पहला 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से आ गया एक्स बराबर 18, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, एक्स प्लस 10 इजिकल टू 0, तो एक्स इजिकल टू हो जाएगा माइनस 10, तो माइनस वाला तो होगा नहीं, ठीक है। तो हम क्या लेंगे 18 ले लेंगे, एक्स इजिकल कितना ले लिया हमने 18। इस एक्स के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण दो में रख दो चाहे एक में रख दो, देखिए फ्रॉम टू से निकाल लेते हैं। तो एक्स का मान कितना है हमारे पास, एक्स का मान है 18, तो 18 18 होते हैं 18, 8 64 का 4, 8 ही कम 8 और 6 हो गए 14, 18 8 144, ठीक है। अब इसका वर्गमूल लेंगे तो ये जाएगा 12, ठीक है। तो इसमें बड़ी संख्या हो गई 18 और छोटी संख्या क्या हो गई 12, ठीक है। तो दोनों संख्याएं याद कीजिए, कौन सी होगी संख्याएं 18 और 12, तो बड़ी संख्या 18 छोटी संख्या 12, ठीक है। अब देख लो इसका जो 8 गुना करोगे तो वो इसके 12 12 144 और इसका 8 बराबर, ये दो आंसर आ गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का खा पाठ। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का खा पाठ। तो इसमें क्या कह रहा है, दी गई आकृतियों में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी जो ब्लैक वाला भाग हो रहा है ये वाला, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना, जहाँ ए बी सी डी की भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए अगर हम इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इन चारों वृत्तों का क्षेत्रफल घटा दें तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो इसके लिए हमें चाहिए इसकी त्रिज्या, ठीक है। तो अब यहाँ देखना ये इसका क्या है, व्यास है, और ये भी इसका व्यास है, यानी दोनों का जो व्यास है, मान लीजिए ये जो सर्किल है चारों चूँकि बराबर हैं और इनकी त्रिज्या मैंने क्या मान ली, आर मान ली, तो इसका व्यास कितना हो गया 2r,
और इसका जो व्यास है वो भी कितना हो गया 2R, और यहाँ से यहाँ तक की जो साइड है इसकी हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 2R ये 2R ये, यानी कि 4R बराबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी कि 4R जो हो जाएगा वो बर की भुजा के बराबर आ जाएगा, बर की भुजा है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए R का मान निकल जाएगा, यानी कि 14/4, यानी R बराबर हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 × 4, 2 × 14, यानी कि 7/2। तो हमें एक वृत्त की त्रिज्या मालूम हो गई 7/2, ठीक है। टोटल है 14, 14 मतलब इसका व्यास प्लस इसका व्यास, और त्रिज्या अगर R है तो व्यास हो गया 2R + 2R, यानी 4R = 14, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना, रेखांकित भाग का क्षेत्रफल। रेखांकित भाग का क्षेत्रफल होगा वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी बर का क्षेत्रफल -4 × 1 वृत्त का क्षेत्रफल। 4 क्यों? क्योंकि चारों वृत्त एक टाइप के। तो मैं ये लाइन लिख देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने लाइन लिख दी है, क्या है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बर का क्षेत्रफल -4 × वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए मैं इसको कर देते हैं आगे, बर चिन्ह लगाए, ये बर का क्षेत्रफल हम जानते हैं भुजा की घात 2। बर का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा की घात 2। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल होता है π r², ठीक। तो भुजा कितनी दे रखी है बर की? 14 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर इसके स्थान पर लिख दिया 14, 4 ऐसे रहेगा, 4 से गुणा, क्योंकि क्योंकि 4 वृत्त बने हुए हैं। पाई का मान लगा दिया मैंने 22/7, और त्रिज्या यहाँ पर हमने अभी निकाली है 7/2 का स्क्वायर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 14 का वर्ग होता है 196, और यहाँ पर देखिए 4 × 22/7, 7 को जिसे स्क्वायर है तो 2 बार लिख लेता हूँ मैं, 7/2। तो यहाँ पर देखिए ये 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, और ये 2 × 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा 196 माइनस इसकी 22 की 7 से गुणा करेंगे, 7 × 14 का 4, 7 × 14 = 15। अब 196 से हम 154 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा? 6 में से 4 गया, बचे 2, और यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया, बचे 4, यानी कि हो गया 42। अब मात्रा क्या है? सेंटीमीटर का या वर्ग सेंटीमीटर? वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए रेखांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया? 42 वर्ग सेंटीमीटर। 6 में 4 गया 2, और ये 9 में से 5 गया 4, ठीक है, यानी कि 42 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका आंसर कितना आया? 42 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहीं पे जो क्वेश्चन नंबर 6 का गा ही देख लेते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर कितनी सेंटीमीटर त्रिज्या बनाना हमें? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई भी नापिए। चलिए मैं इसकी रचना आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त से किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई नापिए। अब करना क्या है इसके लिए हमें? सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर 4 सेंटीमीटर यानी रेड कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ये वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक है। कितने सेंटीमीटर का है ये? 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, रेड वाला जो बना हुआ। उसके बाद क्या करना है, इसी के केंद्र पर आपको इसकी जो रेडियस है वो है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इसी के केंद्र पर एक और वृत्त बना देना दूसरा, जिसकी त्रिज्या जो है वो आर बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इस पर कोई बिंदु यहाँ पर ये ले लीजिए, ये मान लीजिए केंद्र जो है इसका ओ है और बिंदु पी। अब पी से मुझे इस रेड वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है, तो क्या करेंगे? पहले हम ओ पी का लंबवर्धक करेंगे, तो ओ पी का जो लंबवर्धक है वो ऐसे काटेगा, लंबवर्धक बनना आधे से अधिक दूरी भरेंगे ओ को केंद्र मानकर, और एक दूसरे को काटेंगे वो इस तरह से काटेंगे, ठीक है, जैसा आपको दिख रहा है ये। और बाद में इसे केंद्र मानकर एक हम डुप्लीकेट वृत्त बनाएंगे, डॉट डॉट लाइन से इस तरह से वृत्त बनाएंगे। तो ये जब ओ को केंद्र मानना है, इसे इसे केंद्र मानना है, इसे नाम दे दिया मैंने एम, यानी एम पी त्रिज्या लेकर हमें जो है वृत्त खींचना है। तो इस तरह से इसको डॉट डॉट लाइन से इस तरह से बनाएंगे और ये वृत्त बन जाएगा।
है, जहां ये इसको काटेगा ये वाला पॉइंट, ये आपको दिख रहा होगा, मैं इस पॉइंट से मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ, ये जो पॉइंट है इसको हम पी से मिला देंगे। तो यहाँ पे चूंकि कह रहा है वो एक स्पर्श से खींचनी है, तो इस वाले पॉइंट को हम पी से मिला देंगे। तो पी को मैं इससे मिला देता हूँ, यही इसकी कहलाएगी स्पर्शी। तो यहाँ पर देखिए पी को मैंने इससे मिला दिया, इसको मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ये नाम दे दिया मैंने क्यू, क्यू को पी से मिला दिया। तो क्यू पी जो है इसकी क्या है, अभीष्ट स्पर्शी है, और इसकी लंबाई नापनी है। इसे नाप के पैमाने से पी क्यू को नाप लेंगे, जितनी लंबाई होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे कि नापने पर पी क्यू की लंबाई बराबर इतने सेंटीमीटर, ठीक है। और रचना कैसे लिखनी है, जैसे जैसे इसको बनाया है वैसे वैसे हम इसकी रचना लिख देंगे। जैसे हमने सबसे पहले क्या करा, वो केंद्र 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, उसके बाद 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया, फिर बड़े वृत्त पर एक बिंदु पी लिया, पी को ओ से मिलाया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या किया, ओ पी का लंबवर्धक किया जो एम पे काटता है, एम को केंद्र मानकर एम पी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जो वृत्त को क्यू पे काटता है, क्यू को पी से मिलाया, अतः पी क्यू अभिष्ट स्पर्शी है। नापने पर इसकी लंबाई जो भी आए वो लिख देना यहाँ पे, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर घ, यानी 6 का घ। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। पासे पे क्या लिखा है, ए बी सी डी ई ए ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि इस पे ए जो है वो 2 बार आया हुआ, इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो, ठीक है, और डी प्राप्त हो। तो देखिए आपको बता दें प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ए प्राप्त हो, ए कितने बार आया हुआ, 2 बार आया हुआ, तो जो हम चाह रहे हैं वो कितना है, 2, और टोटल कितने, 6। प्रायिकता हो जाएगी इसकी 2/6। तो मैं 6 का घ यहाँ पे कर देता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला है, प्रायिकता इज इक्वल टू है अनुकूल प्रकार, अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, ये फॉर्मूला है कुल प्रकार, ठीक है, यानी कि फेवरेबल केस बटे टोटल केस। तो प्रायिकता को लिखेंगे हम पीई। तो इसका देखिए ए पार्ट, फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या होता है, ए आने की प्रायिकता, ए प्राप्त हो, क्या हो, ए प्राप्त हो, ए कितने जगह आया, 2, तो जो हम चाह रहे हैं वो 2 है कुल प्रकार, और कुल अनुकूल प्रकार है 2, टोटल कितने, 6। तो प्रायिकता हो गई 1/3। यहीं पे दूसरा है डी प्राप्त होना, तो डी तो देखिए वो केवल एक बार आया हुआ है, तो डी प्राप्त होने की प्रायिकता इसे हमारे ईवन कह देते हैं। सेकेंड पार्ट डी प्राप्त होने की प्रायिकता, यानी PE2, डी कितने बार आया हुआ, 1 बार, टोटल कितने हैं, 6, तो प्रायिकता कितनी हो गई, 1/6, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है, प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार, ठीक है, फेवरेबल केस बटे टोटल केस, या एनी अपॉन एनएस शॉर्ट में भी ले सकते हैं। प्रायिकता पीई इज इक्वल टू होता है NE/NS, ये फॉर्मूला NE/NS। तो इस फॉर्मूले को भी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और अंतिम क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इनको पहले रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर हमें इनको हल करना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले 7 का क्वेश्चन ये कर रहे हैं। तो पहले रैखिक समीकरणों में कैसे बदलना है, तो पहले तो इन दोनों समीकरणों को हम ऐसे ही लिख लेंगे, टेन अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस के 2/x-y इजिकल टू कितना है, 4। इसे डाल दिया हमने समीकरण ए। इस तरह जो दूसरी समीकरण है उसको भी लिख दिया, 15x+y-5/x-y = -k2, ये डाल दिया हमने समीकरण 2। अब देखिए क्या करेंगे, रैखिक समीकरण बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इनके गुणांक बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है। या तो x के गुणांक बराबर कर लीजिए x+y के, या x-y के। तो मैं यहाँ पर x-y के गुणांक बराबर करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए इसके गुणांक से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और
देखिए जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, जो एक्स माइनस वाई गुणांक है हम 5 है, तो 5 से इसको गुणा कर रहा हूँ, और जो एक्स माइनस वाई के अंश में लिखा 2, इससे कर रहा हूँ। तो ऐसा करने से क्या होगा, इनके गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो जब हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसे चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो, 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 से और फिर इसमें प्लस करना है। विपरीत चिन्ह होते हैं तो प्लस करना प्लस करते हैं, और आप एक जैसे चिन्ह होते हैं तो यहाँ माइनस लगाते हैं। 2 कितने से गुणा करनी है, 2 से। देखिए ये काम मैं क्या कर लेता हूँ, जब 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 5×50/x+y। ऐसे यहाँ पे कितना जाएगा, जब 5 से गुणा करेंगे तो 5×10/x-y, यहाँ पे 5×20। ऐसे हम देखिए 2 से गुणा करी, तो 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 15×30/x+y। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2×10/x-y बराबर माइनस का 2×2=4। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ लिखेंगे हम यहाँ घटाने पर। जब भी कोई समीकरण में चेंजिंग आता है तो उसे हम नया नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जैसा चिन्ह हो तो घटाने पर लिखेंगे, विपरीत चिन्ह हो तो लिखेंगे जोड़ने पर। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, जोड़ने पर, घटाने पर नहीं, जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों लिखा, क्योंकि हमें विपरीत चिन्ह है यहाँ पे। जब जोड़ने पर चिन्ह लेते हैं तो नीचे का चिन्ह नहीं बदलते हैं, और यहाँ लिखते हैं जब घटाने पर तो चिन्ह बदलना पड़ता है, तो यहाँ हमें चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, तो अब हर एक जैसा तो अंश जोड़ लीजिए, 50 और 30 कितना हो गया, 80। 80×x+y, और इधर हो गया 20 में से 4 माइनस कर देंगे 16, तो तिरछी गुणा कर लेते हैं। देखिए 80×16x+y इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर 16×5=80। देखिए ये आ गई इसकी रेखीय समीकरण। ठीक है, क्या आ गई इसकी रेखीय समीकरण, x+y=5। तो इसे हम अब नया नाम दे देते हैं, मैंने इसको नाम दे दिया समीकरण, दे दिया 3। ठीक है, अब बिल्कुल ऐसी ही एक समीकरण और बनेगी। कैसे बनेगी, ये मान उठा के मैं रख दे रहा हूँ समीकरण 1 में या 2 में। तो देखिए किस में रखना चाहिए, 1 में रख देते हैं, तो ये मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये लिख देंगे, ये मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो मैंने ये मान समीकरण 1 में रख दिया है, समीकरण 1 में रखेंगे तो x+y जहाँ है उसके स्थान पर मैंने क्या रख दिया, 5 रख दिया। अब इसको मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ से x-y की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए 5×10, तो ये इधर लेके जाएंगे, 2×x-y बराबर आ जाएगा 4-2, तो कितना आ गया, ये 2×x-y बराबर 4 में से 2 गए 2। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अब मैं अलग कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ से कर देता हूँ मैं, जिससे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ से आ जाएगा 2×2 बराबर आ जाएगा x-y, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा है यहाँ पे, x-y=1। 2 से 2 कटने पर 1 बचेगा, तो ये आ गई समीकरण 4। अब देखिए लीनियर समीकरण बदल चुकी है, कौन कौन सी समीकरण बदल गई, लीनियर इक्वेशन में एक x+y=5 और दूसरी x-y=1। ठीक है, तो अब इन्हें हल कर लेना। कैसे हल करेंगे, अब इनको विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना है, बस समीकरण 1 में 2 जोड़ देनी, 1+ सॉरी समीकरण 3+4, 3+4, तो 3 पहले लिखेंगे ऊपर = 5, और ये 3 लिख दिया, अब इसके नीचे 4 उतार देंगे। अब इसे यहाँ कर देते हैं जोड़ने पर, क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करना, जोड़ने पर। तो जोड़ेंगे तो देखिए वाई से वाई कैंसिल हो गया, यह आ गया 2x=5×6, 2 से काट देंगे 6 को, तो x बराबर आ जाएगा 3×2=6। अब x का मान रख देते हैं हम समीकरण 3 में, रख दो या 4 में, तो यहाँ देख लेते हैं समीकरण 3 से निकाल देते हैं। चलो तो समीकरण 3 से अब हम इसको हल कर देते हैं। तो देखिए समीकरण 3 में हम रखेंगे, समीकरण 3 है हमारी x+y, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, 3+y=5। तो ये y इधर जाके माइनस हो जाएगा, 5-3, तो y बराबर आ गया 2। तो आंसर हमारा क्या हुआ है, 3 और 2।
तो अपनी आंसर को आप चेक भी कर सकते हैं, एक्स वाई के मान ये किसी भी समीकरण रख दीजिए, उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर गए तो आपका आंसर सही है। देखिए इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ रख कर देखेंगे तीन है तो यहाँ भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर तुम्हारा सही है। यहाँ भी रख कर देख सकते हो, ठीक है। एक्स प्लस वाई देखिए, तीन है दो पाँच, पाँच दो दस, दो बचा और दो और दो चार, यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल सही आपका आंसर है ये। अब देखते हैं इसका अथवा वाला, सात का अथवा वाला पार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर सात का सात का अथवा वाला, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, वर्षों का व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं यह है 7 का अथवा पाठ, तो यहाँ पर लिख देते हैं अथवा, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं माना जिसकी रहमान, माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर एक्स, ठीक है। अब 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी आयु रहमान की, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, चलो मैं ये थोड़ी भाषा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने लिख दिया कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा आयु x माइनस 3, और 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 5। अब क्या दे रखा कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम का मतलब होता बटा, ठीक है। तो इसका बटा यानी कि 1/3 ये व्युत्क्रम हो गया इसका, इसका योग और 5 वर्ष पश्चात जो आयु है उसके व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/x+5, इनका जो जोड़ है वो कितना है 1/3 है। तो वर्तमान आयु यानी x का मान हमें निकालना है, तो अभी इसे सरल करने के लिए हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आ गया इसका, एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 5, कैंची गुणा कर देंगे, तो कैंची गुणा करेंगे यानी तिरछी गुणा एक्स प्लस 5 ऐसे, तो एक्स माइनस 3 यहाँ पर आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर देखिए इसे एक्स और एक्स हो गया 2x, और 5 में से 3 घटा देंगे आ गया 2, नीचे गुणा कर लेते हैं इनकी, गुणा करेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस का 3x और 3 × 5 = 15, ठीक है, बराबर 1/3। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ थोड़ा इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अब हम देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ऊपर है 2x+2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी तो 3 इधर आ जाएगा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में ये पहुँच जाएगा एक्स स्क्वायर, 5x में से 2x माइनस कर दिया, कितना बचा प्लस का 2x और माइनस का 15, ठीक। पक्षांतर कर लेते हैं, 3 की पहले गुणा कर लेंगे, 3 × 6x प्लस के 3 × 6। अब इसको पक्षांतर कर लेते हैं हम, यानी कि एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, ये 2x प्लस का 2x, इधर का हो जाएगा माइनस का 6x और इधर माइनस के 15, इधर हो जाएगा माइनस का 6, तो इधर क्या बचा 0, तो ये इधर लेफ्ट 0 को हम राइट हैंड साइड में लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का हो गया 4x, ये बचा 15 × 6 हो गया 21 = 0। अब इसके हम जो है गुणनखंड करेंगे, क्या होंगे गुणनखंड, 7 × 21, हाँ 7 × 21 हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 7 − 3, देखिए 7 में से 3 गए 4 और 7 × 21, तो इसे गुणनखंड कर लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा 3x − 21 = 0। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस 7 बचा, यहाँ पर प्लस का 3 कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 7 = 0। तो अब एक्स माइनस 7 दोनों में से कॉमन है,
यहाँ बचा एक्स प्लस थ्री। तो एक बार पहला वाला ब्रैकेट जीरो रखेंगे और एक बार दूसरा एक्स प्लस थ्री बराबर जीरो। तो एक्स बराबर कितना आ गया सेवन, ठीक है। और यहाँ से एक्स बराबर कितना आ रहा माइनस तीन, तो माइनस तीन तो हो नहीं सकता। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी आ गई सात वर्ष, ठीक है। तो रहमान की वर्तमान आयु बराबर सात वर्ष, तो ये आप लिख देंगे अर्थात रहमान की वर्तमान आयु बराबर सात वर्ष। अब देखिए इसी का हम सात का खा पार्ट देखते हैं। अब देखिए ये दो क्वेश्चन और हैं सात का खा और उसका अथवा वाला पार्ट। तो क्वेश्चन बढ़िया है, इनको पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। एक बहुमंजिला भवन शिखर पर 8 मीटर ऊंचा है। भवन शिखर के तल के अवनमन कोण को 30 अंश और 45 अंश बहुमंजिले भवन की ऊंचाई दो भवनों के बीच की दूरी याद कीजिए, ठीक है। तो पहले हम इसका चलिए चित्र बना देते हैं, फिर इसको समझाते हैं अच्छे से। अब देखिए चित्र इसका हमने बना दिया। क्या कहा क्वेश्चन में, एक बहुमंजिला भवन, तो ये जो है आपको दिख रहा होगा ये मैंने जो रेड पीला कर दिया है, ये एक बहुमंजिला भवन है के शिखर पर 8 मीटर ऊंचे भवन से, बहुमंजिले भवन के शिखर, शिखर कौन सा है ये वाला, ठीक है। शिखर से 8 मीटर ऊंचा भवन, तो 8 मीटर ऊंचा भवन जो ये वाला है दूसरा वाला, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, शिखर शिखर कौन सा हो गया इसका ये वाला, और तल कौन सा है नीचे वाला, पर अवनमन कोण कौन सा 30 और 45 अंश। अवनमन कोण जो बनते हैं जो ऊपरी वाली रेखा से बनते हैं, 30 कितने हैं 30 और 45 अंश, ठीक है। तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई हमने मान ली, भवन भवन की ऊंचाई h और दोनों भवनों के बीच की जो दूरी है वो मान ली हमने x, इस बात को हमने लिख भी लिया। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, जब ये 30 अंश कोण है तो हम जानते हैं उन्नयन कोण और अवनमन कोण बराबर होते हैं, तो ये भी 30 हो गया, ये टोटल 45 है, तो यहाँ पे ये भी 45 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे हम नाम दे देते हैं a, इसको दे देते हैं b, इसको लिख देते हैं c, और ये लिख दिया हमने d, और ये लिख दिया हमने ई। तो अब हमें एच और एक्स के मान निकालने हैं। तो यहाँ पर देखिए दो समकोण त्रिभुज हैं, मैं दोनों में लेता हूँ, पहले लिखता हूँ समकोण त्रिभुज ए सी डी में, इसमें समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एक ही फॉर्मूला लगता है ट्रिग्नोमेट्रिक, ज़्यादातर टेन थीटा वही लाल बटे अक्का से, टेन थीटा लंब बटे आधार, क्या लगाएंगे लंब बटे आधार, टेन थीटा लंब बटे आधार, थीटा कितना है यहाँ पर 45 अंश दे रखा, तो थीटा के स्थान पर 45 अंश रख दिया। अब देखिए लंब जो है यहाँ पर कितना है एच है, आधार कितना है एक्स, और टेन 45 की वैल्यू होती है एक, तो समीकरण एक बन गई एच बराबर एक्स, ये आ गई समीकरण एक। अब जो दूसरा वाला त्रिभुज है अब उसमें ले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ई में, इसमें समकोण त्रिभुज ए बी ई में, तो यहाँ भी फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए ये 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो है ये भी 8 हो गई, तो टोटल है एच, एच जो कितनी टोटल है, टोटल एच में से 8 हटा देंगे तो ये हो जाएगी एच माइनस 8, क्योंकि एच जो है पूरे बहुमंजिला भवन यानी ए से सी तक की दूरी है, ठीक है। बहुमंजिला भवन क्या है ए से सी, ये पूरा बहुमंजिला भवन है। तो अब इसमें देखिए लाएंगे टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा इसका एच माइनस 8 और आधार इसका एक्स ही हो जाएगा, जो ये एक्स है तो ये भी एक्स हो जाएगा, और थीटा के स्थान पर देखिए यहाँ पर रखेंगे टेन 30 टेन 30 और ये एच माइनस 8 अपॉन एक्स, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो यहाँ से देखिए अब हम h और x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से h माइनस 8, तो यहाँ से समीकरण एक से हम रख सकते हैं यहाँ पे h के स्थान पे x रख दीजिए या x के स्थान पे h रख दीजिए, कहाँ से समीकरण एक से, समीकरण एक से। तो हम देखिए तिरछी गुणा भी कर रहे हैं x और ये हो जाएगा √3 h माइनस 8, ठीक है। और समीकरण एक से h के स्थान पर मैं x रख दूंगा, तो यहाँ से √3 और इसके स्थान पर रख दिया मैंने x। अब यहाँ से पहले मैं x निकालूंगा, तो x निकालने के लिए सॉल्व कर लेते हैं, देखिए अंडर एंट्री करेंगे √3 x माइनस के 8√3, पक्षांतर कर लेते हैं 8√3 इधर आ जाएगा
और इधर जाके रूट थ्री एक्स, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो एक्स कॉमन ले लिया, ये हो गया रूट थ्री माइनस वन, और रूट थ्री माइनस वन कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रूट थ्री की जगह हम ये यूज कर सकते हैं 3.17, तो ये हमसे कहा गया, तो एक्स बराबर आ जाएगा 8√3 अपॉन रूट थ्री माइनस वन। ठीक है, तो चाहे तो इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा, कंजुगेट का मतलब इस नीचे वाले के विपरीत चिन्ह से, तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वर्गों के अंतर का सूत्र बन जाएगा ये रूट थ्री माइनस वन और रूट थ्री प्लस वन। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, देखिए तो यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, यह आ जाएगा 8√3, और यहाँ पे रूट थ्री प्लस वन और अपॉन में क्या आएगा, दो रो का अंतर, यानी कि रूट थ्री माइनस वन, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर जो होगा वो तीन होगा, तीन में से एक गया दो, दो से काट देंगे तो यह आ जाएगा फोर, तो मैं थोड़ा और रूट तीन के अंदर गुणा करेंगे, यह आ जाएगा तीन प्लस के रूट तीन, तो ये इसका आंसर आ गया। चाहो तो रूट तीन का मान भी आप यहाँ पर रख सकते हो, 1.732 चार से गुणा कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा एक्स का मान, ठीक, यानी कि ये वाली हमसे एच और पूछा। अब ये देखिए दोनों आपस में क्या है, बराबर है, एच और एक्स क्या दोनों बराबर है, तो जो एक्स है वही क्या हो जाएगा, एच भी हो जाएगा, क्योंकि दोनों एच और एक्स कैसे हैं, दोनों बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में हमसे कहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो है दोनों भवनों के बीच की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, फोर अंडर रूट थ्री प्लस रूट थ्री, और ऊंचाई जो हो गई भूमंडलीय भवन की वो भी फोर प्लस फोर अंडर रूट थ्री प्लस रूट थ्री। चाहो तो रूट थ्री के स्थान पे आप 1.732 भी रख सकते हो। अब इसका जो अथवा वाला पार्ट है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन है इसका अथवा वाला पार्ट हम करा रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला पार्ट। भूमि के बिंदु पी से 10 मीटर ऊंचे भवन का शिखर, तो बिंदु पी है और 10 मीटर ऊंचा भवन जो है वो ये वाला है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ए बी 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, उन्नयन कोण कितना है ये 30 अंश बन गया। भवन के शिखर एक ध्वज को पर लहराया गया, शिखर पर देखिए ये ध्वज लहराया गया, यहाँ पर ये जो है बी सी क्या है इसका ध्वज है, ध्वज लहराया गया है, पीछे ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, और जो उन्नयन कोण कितना है इसका 45 अंश। ध्वज की लंबाई यानी कि ये मान ली लंबाई हमने एक्स मान ली, और बिंदु पी की भवन से दूरी यानी कि ये पाई मान ली हमने, ये हमें निकालना। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज हैं, एक पी ए बी और पी ए सी, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ समकोण त्रिभुज पी ए बी में। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं, 7 का खा अथवा वाला पार्ट। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन से वाले त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज पी ए बी में। ठीक है, तो यहाँ भी वही लगाएंगे टेन थीटा, टेन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो देखिए टेन थीटा के स्थान पर क्या है, थीटा के स्थान पर है 30, क्योंकि 30 अंश का उन्नयन कोण बन गया, लंब कितना हो गया इसका 10 और आधार कितना है इसका 22, तो लीजिए 22 तो निकल के आ गया, तो टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 10/22 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 10√2, सॉरी 10√3, कितना 10√3, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ 10√3। अब रूट तीन का मान हमें दे रखा है, रूट तीन का मान कितना दे रखा है, देखिए यहाँ पे 1.732, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.732, 10 से मल्टीप्लाई की जाती है तो बस एक जीरो बढ़ा देती है, तीन के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया 17.320 मीटर। तो ये आ गया क्या, आ गया बिंदु पी की ध्वज से दूरी 17.32 मीटर। ठीक है, अब यहीं पे अब हम निकाल लेते हैं दूसरे वाले त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज कौन से में, समकोण त्रिभुज पी ए सी में,
समकोण त्रिभुज पी ए सी में, तो यहाँ भी हम वही लगाएंगे। देखिए टेन थीटा बराबर कितना, लंब बटे आधार, ठीक है, फॉर्मूला तो वही है। और थीटा कितना देखिए यहाँ पे, थीटा है आपके 45°, ठीक है। लंब कितना हो जाएगा बताइए, लंब हो जाएगा इसका टेन प्लस एक्स, क्योंकि टेन जो है भुवन की है और एक्स ध्रुवज की है, क्योंकि हम पूरे त्रिभुज में ले रहे हैं। और आधार कितना हो जाएगा इसका, बाई टेन 45 का मान कितना हो गया, वन, ये हो जाएगा टेन प्लस एक्स अपॉन बाई, बाई इधर आ गया, बाई इजिकल टू टेन प्लस एक्स। हमें क्या निकालना है, एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा बाई में से टेन माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया एक्स इजिकल टू, बाई की वैल्यू रख देते हैं, बाई की वैल्यू कितनी है, 1 17.32, 17.32 माइनस के 10, अब 10 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7.32, 17 में से 10 जाएंगे 7.32, तो ध्वज दंड जो है उसकी लंबाई आ गई 7.32 मीटर, ठीक है। और बिंदु P की ध्वज से दूरी कितनी आ गई, 17.32 मीटर, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो सेट फर्स्ट था उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया है, अब जो सेट टू है उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको पूरा प्रोवाइड करा दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए कि आपको जो दूसरा सेट है मैथ का, क्या उसका सॉल्यूशन चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसका शीघ्र ही सॉल्यूशन पूरा आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए कक्षा हाई स्कूल के सारे सूत्र आपको दे दिए हैं, 15 चैप्टरों के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको दे दिए हैं, और यहाँ पे जो 6 सेट थे यूपी में, जो 6 सेट आए हैं उन सभी का सॉल्यूशन भी हमारे चैनल पे पड़ा है। और अब ये जो यूपी बोर्ड ने जो जारी किए हैं सेट, उसका पहला सेट का सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, अगले सेट का सॉल्यूशन शीघ्र ही मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।